घर बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा रश है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो चलें फिर आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग कुछ होने वाला है मज़ेदार, क्योंकि आज जा रहे हैं बीएनयू बोले तो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर थोड़ा काम था, अप्लाई भी किया हुआ था एमएस में, उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, और इसके अलावा कुछ फंक्शन हो रहे हैं वो भी आपको आज चल के दिखाते हैं। तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह मुलाकात के बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं लंबी लाइनें लगी हुई हैं अभी तक ना, ये देखें ये सारा रश जो है ना बीएनयू का है। अब जाके गेट पे देखते हैं क्या सूरत हाल है इनकी। जी व्यूअर, तो अभी हम आ गए थे बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप देख सकते हैं यार, यहाँ पर एंट्री ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतना सिक्योरिटी है ना, ये हमारी सोच है। अब ये बैग वगैरह यहाँ पे खड़े हुए हैं और कोई वेट कर रहा है मेरे ख्याल में इनका जो फंक्शन वगैरह हो रहा है ना उसके बारे में। माहौल वगैरह आप देख सकते हैं, आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या। बाकी यार सामने आप देख सकते हैं इनका माहौल वगैरह, मेरे ख्याल में इनके गेमिंग वगैरह आज चल रही हैं तो माहौल बहुत अच्छा है। बाकी स्टूडेंट वगैरह मिल जाता है तो उससे पूछेंगे कि हाँ भाई क्या सूरत हाल है क्या नहीं है, तो आगे जाके दिखाते हैं आपको। पता नहीं क्या चल रहा है, समझ से बाहर है काम, शोर वगैरह इन्होंने डाला हुआ है। तो इस साइड पे अगर देखें जो इन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं, फुल चिल वाला माहौल है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से तो मतलब हर लिहाज से आगे जा रही है बीएनयू फिलहाल। अभी आगे जाके माहौल देखते हैं कि कैसा मतलब के हैं स्टूडेंट वगैरह के, मिल जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। Like I'm floating through the air, the pain I felt is paid for. वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम समीर। कौन सा डिपार्टमेंट है? मैं एसएमसी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर है। आवाम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बड़ी बातें सुनने को मिलती होंगी, ऑब्वियसली बड़ी अजीब सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसी बात नहीं, तो मैार है, यूनिवर्सिटी का पता चलता है, यूनिवर्सिटी है मजाक नहीं है। हाँ सबसे अच्छी चीज़ तो फिलहाल तो फेस्टिवल ही है, क्योंकि मेरा पहला सेमेस्टर है, मेरा पहला इवेंट है। फिलहाल तक तो कुछ नहीं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कई ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे कि काम बहुत टफ है, क्विज़ेस बड़े ज़्यादा होते हैं, क्लासेस नहीं ज़्यादा मिस कर सकते, ये काम ज़रा ख़तरनाक काम है, फिर हम पर रैम नहीं किया जाता है उसे विषय बार, बाकी सब फिट सी, बाकी ओके, थैंक यू यार। बाकी ओवरऑल अगर माहौल देखा जाए बीएनयू का, बीएनयू बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है माहौल के लिहाज से। स्टूडेंट वगैरह बिल्कुल चिल हैं यहाँ पे, पार्टियाँ वगैरह ये देखें सामने आप देख सकते हैं,
पार्टीज के लिहाज से हो या स्टडी के लिहाज से, कुछ स्टूडेंट मिल जाते हैं तो उनसे पूछते हैं स्टडी के लिहाज से कैसी है, बाकी ओवरऑल माहौल तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी किसी से पूछते हैं कि कैसी है। जी भाई, तो आप ये माहौल देख सकते हैं, ऐसे तो एक भाई कोई मिल जाए तो उसे पूछते हैं, जैसा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जाए भाई जान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम राव विक्की है और मैं भी वैसे आपकी टीम से हूँ। मतलब अभी मजा आएगा ना, भिड़ो ब्लॉगर ही हूँ। थैंक यू। थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ दोबारा मिलकर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे बता सकते हैं कि BNU में सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो आपको लगती होगी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी चीज़? BNU की हर बंदे को ना अपनी यूनिवर्सिटी बुरी लगती है। मुझे BNU की एक चीज सबसे अच्छी लगती है, वो फेस्टिवल। ठीक है, लाहौर में जितनी हाई फेस्टिवल की BNU की है ना, उतने किसी यूनिवर्सिटी के इवेंट के लिए। ठीक है, और बाकी यहाँ बुरी लगती है बट फेस्टिवल के लिए सबसे बेस्ट में BNU। जो आपको लगता हो यार ये चीज़ बुरी है BNU में, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बुरी लगती हो? बहुत थोड़ी आवाम है, वही चेहरे रोज देखने को मिलते हैं, देख देख के हम थक जाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एंजॉय करने फिर किसी और यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो आज माशाल्लाह इतना अच्छा फंक्शन हो रहा है, आप क्या फील, कैसा फील कर रहे हैं, क्या आपके एक्साइटमेंट क्या है? 2020 में तो दो साल बाद हो रहा है, इसीलिए लोगों में एक्साइटमेंट भी ज्यादा है और लोग ज्यादा मतलब लग भी रहे हैं, क्या एंजॉय बहुत ज्यादा। जिसका इंतजार कर रहे थे दिशान भाई आ गए हैं। दिशान भाई से पूछते हैं। जी दिशान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? ठीक। कैसा फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, अभी तक देख रहे हैं अभी तो। क्या मिला है न्यू देखने को आपको यहाँ पे? बहुत कुछ डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी हैज बीन अ ग्रेट प्लेस एंड अ ग्रेट टाइम हियर। अबे 2 मिनट के बाद तेरी इंग्लिश खत्म हो जानी है उर्दू में तुम्हारे। You know, bro, I can speak English very good. Yeah, British passport and so on. तो सही कह रहा है, जो भी कह रहा है सही कह रहा है। आप बताएं कैसा फील जा रहा है? बस बहुत अच्छा जा रहा है जी। क्या मिला न्यू देखने को यहाँ पे? न्यू देखने को ये मिला कि माशाल्लाह इधर का प्रोफेशनल माहौल। प्रोफेशनल माहौल है? प्रोफेशनल माहौल है यहाँ। एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड। तो जैसे आप देख सकते हैं पीछे इनका माहौल वगैरह,